पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी MIM के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना MLA बनाइए, और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप KCR को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। मैनिफेस्टो आया है KCR साहब का। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। दरकुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट नाखिबे मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की अवाम से KCR को वोट डालने की अपील की है। हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा बैरिस्टर ओवैसी ने BRS पार्टी के मंशूर पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। इनका कहना है कि KCR रियासत के अवाम के लिए बेहतरीन काम करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो BRS पार्टी को वोट दे जहां हमारा उम्मीदवार हो, और KCR को तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाए जहां हमारा उम्मीदवार नहीं है, वहां पर KCR के BRS पार्टी के उम्मीदवारों को बेहतर तरीके से जीत दिलवाए। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी के मंशूर में शहरी इलाकों में 400 रुपये में फ़ी सिलेंडर फराहम करने की बात की गई है, इससे गरीबों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह मैनिफेस्टो में और कई सारी बेहतरीन और अहम चीज़ें हैं जो कि आवाम को राहत पहुँचाएगी। इन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि ये तेलंगाना के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद साबित होगा। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जुबानी। पेश है एशियन TV न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो हम पहले भी बोल चुके हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जहां कहीं भी MIM के कैंडिडेट खड़े रहेंगे, हमने वहां की आवाम से, जनता से ये गुजारिश की है, अपील की है कि आप हमारे कैंडिडेट्स को अपना MLA बनाइए, और जहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं होगा वहां पर आप KCR को तीसरी मर्तबा तेलंगाना को मुख्यमंत्री बनाइए। अब जब इनका जो मैनिफेस्टो आया है KCR साहब का, इसमें जो आया है वो सबसे बड़ी बात यह है कि अर्बन, ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में एक गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिलेगा, तो ये गरीब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरा ये कि जो वाइट कार्ड होल्डर्स है उनको फाइन राइस दिया जाएगा। अब जो राइस मिल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, फाइन राइस मिलेगा, तो इससे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा होगा। तीसरा, उसमें जो उन्होंने कहा कि जो आसरा पेंशन है वो 3,000 से शुरू होगा और 5 साल में 5,000 हो जाएगा, ये बहुत बड़ा फायदा होगा उन तमाम गरीबों के लिए। और चौथा, जो पीड़ित महिला है, जो गरीब महिला है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि 3,000 रुपये का गरीब महिला को फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा उन गरीब परिवार के महिलाओं के लिए। पांचवी बात, वो ये कह रहे हैं कि एक इंश्योरेंस बीमा बनाएंगे। जितने वाइट कार्ड होल्डर्स हैं तेलंगाना में, जिस किसी का इंतकाल होगा उनके मौत के बाद उनको 5 लाख रुपये मिलेंगे, ये भी गरीब के लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और फिर GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में उन्होंने इस मैनिफेस्टो में कहा कि 1 लाख 2 BHK घर बनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से हम पर जो प्रेशर है जनता का कि 2 BHK हमको मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि एक जेन्यून एक डिमांड है, इससे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इससे बहुत बड़ा गरीबों को फ़ायदा होगा। दूसरा, माइनॉरिटी के जितने कॉलेजेस हैं, जूनियर कॉलेजेस 200 हैं, उसको डिग्री कॉलेज में तब्दील किया जाएगा। मैं समझता हूं कि माइनॉरिटीज़ के लिए और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान लड़के लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। फिर बजट, माइनॉरिटीज़ का बजट भी बढ़ाया जाएगा। डिसेबल्ड पेंशन जो है वो 4,000 रुपये से 5 साल में 6,000 रुपये हो जाएगा। तो जितना इन्होंने ऐलानात की है, हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी एक अलहदा बिल्डिंग होगी, और फिर एक कमेटी उन्होंने बनाने का वादा किया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ताल्लुक से। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्होंने बातें अपने मैनिफेस्टो में रखी है,
और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की जनता खास तौर से चाहे वो गरीब आवाम हो या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो, दलित हो, अल्पसंख्यक समाज हो, किसान हो, उन सब के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत कारामद साबित होगा और इससे यकीनन दोबारा केसीआर तीसरी मर्तबा तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब फर्क ये है कि ये देते आए हैं पिछले 9 साल से, तो जनता में इस पर एतमाद है, भरोसा भी है कि भाई ये 9 साल में इसने किसानों को दिया है, किसानों का बीमा शुरू किया जिसको मोदी जी ने कॉपी किया, तो ये बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है जो आवाम में एक एतमाद है कि हाँ जब हमको 9 साल में जो मिला है अब इससे और इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये केसीआर को दोबारा आवाम उनको अपनी मोहब्बतों से भरोसे की बुनियाद पर उनको दोबारा तीसरी मर्तबा तेलंगाना का वज़ीर आला बोलिए या मुख्यमंत्री उनको बनाएगी।